ओम शांति। नमस्कार। डिवाइन हार्मनी के इस अंक को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कॉर्डलीवुड स्टूडियो के इस सुंदर से प्रोग्राम में, इस सुरीले प्रोग्राम में। हमें इंतजार रहता है आपके खतों का और आपके मेल्स का। हम चाहते हैं कि आप उन मुद्दों की बात करें जो आप सुनना चाहते हैं, जिस पर बाबा ने कुछ बातें कही हैं, शिक्षाएं कही हैं, उन शिक्षाओं को हम आप तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, पूरे विश्व में ये संदेश पहुंचाएं। आपके मेल्स हमें मिलते रहेंगे, आपके फीडबैक्स हमें मिलते रहेंगे, तो हमें भी नए प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में कुछ नया करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आज पूरे विश्व में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। चर्चा तो चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कूटनीतिक हो, हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मंथन हो रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा गौर किया हो तो पिछले कुछ सालों में लोग कुछ हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए और लोग बकायदा जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं और डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, और डाइटिशियन उनको एक बकायदा फूड चार्ट बनाकर देता है, उस पर वो बिल्कुल सीरियसली अमल भी कर रहे हैं। कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, इस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यानी शारीरिक फिटनेस और सुंदरता बनाए रखने के लिए जी तोड़ और तन तोड़ मेहनत हो रही है। लेकिन मन के विकारों को निकालने के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं, कितनी कोशिशें हो रही हैं, कुछ नहीं। हमारे मन के अंदर तो विकार वैसा के वैसे ही मौजूद है, हमने सिर्फ शरीर का बाहरी आवरण, चोला बदलने की कोशिश की है, जबकि हमें हमारे हृदय, मस्तिष्क को स्वस्थ बनाना है। और आप यकीन जानिए कि जिस वक्त, जिस समय आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, जब यह शुद्ध हो जाएगा, आपके मस्तिष्क के अंदर किसी भी तरह की गंदगी नहीं रहेगी, तो पूरा समाज स्वस्थ हो जाएगा, सिर्फ आप अकेले नहीं। ये बातें चलती रहेंगी, यूं ही एक गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर कुछ और बातें करेंगे आपसे। जीवन बनाने वाले, जीवन
डाले दिल करता याद तुमको बाबा, मेरे हजारों हैं धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। पहचान देखे अपनी अपना मुझे बनाया, पहचान देखे अपनी अपना मुझे बनाया, मुझको गले लगा कर दिल तख्त पर बिठाया, बनकर बहार आए, बनकर बहार आए, बनकर बहार आए, किया है आबाद हमको जीवन बनाने वाले, दिल करता याद तुमको तुमको, जीवन बनाने वाले दिल करता याद तुमको, दिल करता याद तुमको, दिल करता याद तुमको। हम सभी अपने अंतर्मन से परम शक्ति परमपिता परमात्मा को मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। दुनिया में कितने सारे मजहब हैं, कितने सारे धर्म हैं, कितनी सारी जातियां हैं, चाहे आप उसे गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, वाहेगुरु कह लें, किसी ना किसी नाम से तो याद करते ही हैं। अब जिस परमात्मा को पाने के लिए या जिस रब के करीब जाने के लिए हम इतनी भक्ति, जप, तीर्थ करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, अब जबकि वो स्वयं धरती पर आया हुआ है तो हम उनसे मिलन मनाकर जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर सकते हैं। परमात्मा के सानिध्य में हम अपने को एक बच्ची की तरह बिल्कुल सुरक्षित, महफूज अनुभव करते हैं। हमारा मन सारी चिंताओं से, सारी फिक्रों से मुक्त होकर आनंदित होता है। जब से बनी है प्रभु तुम्हारी ये जीवन अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है। जब से बनी है प्रभु तुम्हारी ये जीवन अच्छा लगता है।
इससे पहले कि हम आपके सामने तीसरा गीत प्रस्तुत करें, दो गीत तो आपको पसंद आए ही होंगे, पूरा ये विश्वास है मुझे। कुछ पंक्तियां मेरे जहन में आ रही हैं, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे साहस ने धरा के धैर्य को जी भर डिगाया, देखकर पौरुष हमारा व्योम ने नित सिर झुकाया, सूर्य भी प्रातः नमन करता हमारी शक्ति को, क्षमता नहीं प्रभु में चुनौती दे हमारी भक्ति को, सत्य का जय घोष हूं आवेश का नारा नहीं हूं मैं कभी हारा नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि रिश्ते नातों से हम घिरे रहते हैं, आसपास हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी लोग हैं, उसके बावजूद भी हम अकेला महसूस करते हैं। सब कुछ हमारे पास होता है, रहने के लिए अच्छा घर है, पैसा है, खाने पीने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, यानी हर ऐशो आराम का सामान है, कुछ भी नहीं ऐसी कमी। फिर भी कहीं खलिश महसूस होती है, खालीपन महसूस होता है। क्यों ऐसा होता है? इंसान हमेशा ऐसे में अपने को अकेला पाता है, और यही वो समय होता है कि जब हम एक ऐसे साथ को ढूंढते हैं कि जो हर पल हमारे साथ हो। अब ऐसे में अगर आप बाबा को याद कर लेते हैं तो बाबा की याद कुछ ऐसी है कि वो हर पल आपको ये अनुभव करवाती है कि वो हमें निहार रहा है। उसका हर पल मतलब हमको ऐसा महसूस होता है कि उसका हाथ हमारे ऊपर है, और अब हमारी आत्मा जो है ना हमको इतना भरपूर महसूस करती है, जैसे उसे लगता है कि जो पाना था सो पा लिया, अब क्या पाने को बाकी रहा। कुछ भी रहा न पाना,
पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, बाबा आप अकेले हो जाएं या जब कभी भी आप अकेले हो, मैं तो कहता हूं जब आप अकेले ना भी हो, सिर्फ बाबा की याद आप साथ में रखें, आपको अकेलापन महसूस होगा ही नहीं, आपको किसी से डर लगेगा ही नहीं, आप नीडर होकर इस दुनिया का सामना कर सकेंगे, आप नीडर होकर उन सभी से मिल सकेंगे जिनसे मिलने को आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिचक महसूस होती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कुछ और गीतों को लेकर अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा पता आप नोट करें, अभी इजाजत दें, ओम शांति।